सूर्य किरणों के बिना, खुशबू हवा के बिना और राजा प्रधान के बिना अधूरा है। मराठा साम्राज्य के मुख्य प्रधान पेशवा बालाजी विश्वनाथ के निधन से हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नए पेशवा का चुनाव, कोई है जो स्वयं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करे? पेशवा की जिम्मेदारी हमारे लिए बड़े सम्मान की बात होगी छत्रपति। हमें बड़ी खुशी हुई श्रीपति राव। क्या सारा दरबार पंत प्रतिनिधि के सुझाव से सहमत है? महाराज, इस वक्त इस दरबार में एक ही तलवार है जो समस्त मराठा साम्राज्य और पेशवा की पगड़ी का मान रख सकती है, और वो है बाजीराव। छत्रपति क्षमा करें, पर यह दरबार की हंसी उड़ाने वाली बात है। कैसी हंसी पंत प्रतिनिधि, आप तो अकेले हंस रहे हैं। अपनी योग्यता साबित करने का हक हर एक को होता है। पुत्र अगर पिता की पगड़ी पहन ले तो इसमें पिता की बुद्धि तो नहीं आ जाती। चंदन के वृक्ष को भी सुगंध देने के लिए एक उम्र की आवश्यकता होती है। पर काटा छोटा हो तब भी चुभता है, काहे मरता। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। मैं बाजीराव बल्लाड़, स्वर्गीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र, खुद को पेशवा के पद के लिए योग्य मानता हूं और इसके लिए हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार। कसौटी तो जरूर होगी बाजीराव, पर उसका फैसला हम नहीं, पंत प्रतिनिधि करेंगे। वो मयूर पंख जो इस वक्त मिट्टी के ढेर में खड़ा है, उसे तुम्हें अपनी तलवार से नहीं बल्कि तीर से दो हिस्सों में तोड़ना होगा बाजीराव। शस्त्र चलाकर तुम्हें शास्त्र की समझ भी देनी होगी। अब देखते हैं चीते की चाल और बाज की नजर। शर्त मयूर पंख को दो हिस्सों में तोड़ने की, और पूरा दरबार देख रहा है मयूर पंख अब भी वैसा का वैसा है, पर पहले से कुछ छोटा है। मिट्टी छानिए, आधा टुकड़ा वहीं मिलेगा। यह था मेरे शस्त्र का परिचय, अब शास्त्र सुनिए। वो मिट्टी हिंदुस्तान की है और वो मयूर पंख मुगल सल्तनत का पेड़ जिसकी जड़ें हैं दिल्ली, और वो तीर मराठा साम्राज्य का। जड़ पे वार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ भी गिर जाता है। कमाल है तुम्हारी सोच पेशवा। श्रीमंत, बुंदेलखंड से सैनिक आया है राजा छत्रसाल का संदेश लेकर, वो आपसे मिलना चाहता है। क्या राजा जी अपनी लड़की रिश्ते में देना चाहते हैं? लिखा है मोहम्मद बंगस की फौज ने उनके किले को घेर के रखा है और वो हमारी सहायता चाहते हैं। तुको जी, हम अपनी लड़ाई लड़े या उनकी मदद करें, हमें सिरोंजा पहुंचना है, उन्हें वापस भेज दो। पर वो सैनिक श्रीमंत से मिलने की जिद कर रहा है। तुको जी, निगाह जी, पंत इस घाटी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। पेशवा से नहीं मिल सकते, रुको।
पंत, इन्हें इज्जत के साथ वापस भेज दीजिए। बुंदेलखंड खतरे में है, हजारों बहु बेटियां जौहर की आंखें सामने खड़ी हैं। हम आपकी मदद चाहते हैं। जब बुंदेलखंड के पास ऐसी तलवार हो तो हमारी मदद की क्या जरूरत है? मुमकिन नहीं होगा भाई, आप जाइए। इस गुस्ताखी के लिए तुम अपनी जान गंवा सकती हो। परवाह नहीं, बुंदेलखंड से निकलते वक्त कसम खाई थी कि आएंगे तो पेशवा बाजीराव को लेकर आएंगे, वरना नहीं। खुदा समझकर हाथ फैलाया, पर आप तो इंसान भी ना निकले। नाम क्या है तुम्हारा? मस्तानी। हमें आपकी सोच, आपकी हिम्मत और आपके मदद मांगने का अंदाज पसंद आया। अड़ा उठाओ पंत, बुंदेलखंड जाना है। श्रीमंत छत्रपति को क्या जवाब देंगे? छत्रपति को जानकर खुशी होगी, एक हिंदू राज्य दूसरे हिंदू राज्य की मदद करने जा रहा है। ऐसे बुंदेलखंड का रास्ता कितनी दूर है? 5 दिन। हम उसे 2 दिन में तय करेंगे। नामुमकिन। ऐसा दुश्मन को सोचने दो। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है मस्तानी भाई। चला। आपको जब वो यहाँ पे ले आए तब आप जख्मी थी, पर बेहोशी में भी आप उनसे ऐसे लिपटी हुई थी जैसे दो नहीं एक हो। जीत की सुबह मुबारक हो। अब मस्तानी साहिबा से अकेले में बात करना चाहते हैं, आप लोग जा सकती हैं। ये हमारा कमरा है, आपके जंग का मैदान नहीं पेशवा। हमारी इजाजत के बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता। सुना नहीं आपने? हमारी इजाजत के बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता, और वैसे भी आपके साथ अकेले रहने में खतरा भी हो सकता है। क्यों, अचानक हम पे भरोसा नहीं है? खुद पे एतबार नहीं, राजपूत है, कहीं आपके वार का बदला ना ले बैठे। हक है आपका, आपने जान बचाई है हमारी, आपने हमारा मुल्क बचा है। मस्तानी साहिबा, आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है। फिर तो ये हिसाब अकेले में ही करना होगा। मानना पड़ेगा आपको मस्तानी साहिबा, आज तक युद्ध में जब भी बाजीराव ने तलवार चलाई दुश्मन ने जान गंवाई, पर आपने किसी तरह हमारा वार बचाया। यकीन है घाव काफी गहरा होगा, वही घाव देखने आए हैं, दिखाइए। राजपूत अपने घाव दूसरों को नहीं दिखाते। लोग कहते हैं कि आप युद्ध में जख्मी होकर आई हैं, हमें तो यूं लगता है जैसे चांद होली खेल कर आया है। जहर फैलना, इसलिए घाव चलाना पड़ा। हमने आपका घाव देख लिया मस्तानी साहिबा, अब आप राजपूत नहीं रही। आपने तो सिर्फ अपने वार का निशान देखा, घाव तो कहीं और है। दिल तो पेशवा के पास भी है। जागते नहीं तो इस रात को रोक लेते और आपको यूं ही देखते रहते। रात को कैसे रोक सकती है? कुदरत और किस्मत इंसान के बस में का? जो इंसान के बस में नहीं वो इश्क के असर में। तो क्या इश्क का असर आने वाले सूरज को भी रोक सकता है? लो रोक लिया, पान खा लीजिएगा वरना हम बिन बात बदनाम हो जाएंगे। मस्तानी साहिबा, हम कल चले जाएंगे तो हम शायद फिर कभी ना मिले। तुझे याद कर लिया है आयत की तरह,
अब तेरा जिक्र होगा इबादत की तरह। हर हर महादेव। धैर्य पेशवेंट भाई, आपने हमारा नाम नहीं लिया इस बार? नहीं नहीं भैया, नया घर नई प्रथा, हर बार हमारी पेशवेंट भाई ही नाम क्यों ले? इस बार आप नाम लीजिए, नहीं तो आपको नए कमरे में प्रवेश नहीं मिलेगा, समझ ले दादा। पुरुष थोड़ी लेते हैं अपनी पत्नी का नाम, नाम तो सिर्फ औरतें लेती हैं। हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर। युद्ध पर जा रही है? अभी ठहरावले श्रीमंत, अगली बार हम भी आपके साथ युद्ध पे चलेंगे, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। पर घोड़ सवारी तो आती नहीं है, आओगी कैसे? हम अस्तबल में जाएंगे, अपने घोड़े पर बैठेंगे, चाबुक मारेंगे सटाक और वो गई काशी। हर हर महादेव। ये देखिए हम युद्ध पर पहुंचे नहीं और आप शुरू हो गए। अरे इस योद्धा के जीवन में और है ही क्या, दो गज जमीन, दो निवाले, एक खुला आसमान, एक सवारी, एक तलवार और एक काशी, कुल मिला के 27। कैसे 27? 27 घाव। और इस बार दुश्मन कितने पास आ गया आपके, छेड़िए मत उसे। और अब 28वां घाव ना हो उसके लिए ये नवग्रह की अंगूठी आपको नजर और तलवार दोनों से बचाएगी। आओ बाजीराव, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। छत्रपति का हुकुम हुआ और पेशवा हाजिर। बुंदेलखंड की जीत मुबारक हो। ये अफगानी लोहे की तलवार हमने खास आपके सम्मान में बनवाई है। धन्यवाद छत्रपति। छत्रपति आपने तलवार तो दे दी, अब इसे चलाने का हुकुम भी दे दें तो दिल्ली को आपके कदमों में झुका देंगे। इस वक्त राजनीति ये नहीं कहती कि हम दिल्ली पर चढ़ाई करें। हमारी राजनीति यही कहती है, यही सही वक्त है छत्रपति। शराब और अय्याशी में दिल्ली डूब चुकी है, बादशाह पर किसी को भरोसा नहीं रहा। अगर हमें दिल्ली जाना है तो पहले दक्षिण में निजाम को चुप कराना होगा। राजनीतिक सूझबूझ भी तो कोई चीज होती है। पेशवा, प्रतिनिधि सही कह रहे, कदम बहुत बड़ा है, सोच कर रखना होगा। बाकी की बातें हम शाम की महफिल की बात करेंगे। इस तलवार को मैदान में ही रहने दो पेशवा, दिल्ली तो जाना नहीं, फिर किसकी गर्दन पर रखोगे? पेशवा को दुश्मनों की कहां कमी है? ये गलती मिलिया गम। आपकी गर्दन बहुत कीमती है, पर इन मोतियों की माला से भी ज्यादा नाजुक है। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी मात दे सकती है। मस्तानी साहब यहां कैसे पंत? मां साहब नहीं भेजा है इन्हें आज की महफिल से जाने। महफिल शुरू की जाए। महफिल सजाने के बजाय इस तरह घुंघरू रखकर महफिल का अपमान कर रही हो तुम। हम महफिल का अपमान नहीं, अपना मान रख रहे हैं। कौन हो तुम? मस्तानी। बुंदेलखंड की सौगात है ये। पेशवा के पाड़वा के उत्सव में तो इसने 4 चांद लगा दिए थे। वो उत्सव था, ये महफिल है, और ये कोई नाचने वाली नहीं है। राजा छत्रसाल की बेटी है और इस वक्त पेशवा की मेहमान है। लगता है ये मेहमान कुछ ज्यादा ही खास है। खास है प्रतिनिधि, इनकी वजह से आज ये पेशवा जिंदा है और पेशवा की वजह से मराठा साम्राज्य जिंदा है। आला लक्षात। क्षमा सावी छत्रपति, इनको यहां से जाने की आज्ञा दीजिए, इनकी जगह इस महफिल में नहीं है। सही कह रहा पेशवा,
तुमने पेशवा की जान बचाई है, बदले में हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? अगर हमने मांग भी लिया तो आप दे नहीं सकेंगे छत्रपति। ऐसा क्या है जो एक छत्रपति नहीं दे सकते? पेशवा, दाद देते हैं हम तुम्हारी नजर की और तुम्हारे हौसले की, जिसने मराठा साम्राज्य की सबसे कीमती चीज मांगने की हिम्मत की। लेकिन इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। मैं मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। बहुत अच्छा, जा सकती हो मस्तानी। लगता नहीं है तूफान थमेगा पैसा। चलिए वापस चलते हैं बुंदेलखंड। और वैसे भी हमें यहाँ के क्या मिला है? पूना गए तो नाचने वालियों के बीच रखा, सातारा में महल के बदले नदी पार यहाँ रखा है इस खंडर में। डर लगता है भाई साहब, अपने जिनकी कटार से ब्याह किया है वो तो इस रिवाज से अनजान है, और अगर उन्होंने ये रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया तो। हम भी तो देखें अपने इश्क का सर। देख लीजिए अपने इश्क का सर। आपने भरे दरबार में पेशवा मांगा था ना, पेशवा हाजिर है। मानना पड़ेगा मस्तानी सर, जिस रिवाज से जिस रिश्ते से हम अनजान थे उसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। क्या है इस दीवानगी की वजह? इश्क, जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए वो इश्क, भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क, जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए वो इश्क। ये समाज इस शनिवारवाड़ा आपको कभी नहीं अपनाएगा। हमारे साथ इश्क मतलब अंगारों पर चलना होगा। कबूल है, हमारी पत्नी है काशी, हम आपको पहली पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकते, हम सिर्फ आपके कभी नहीं हो सकते। कबूल है, हमारा नाम अपने नाम से जोड़कर आपको बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। कबूल है। ये धरती, ये आसमान, ये तूफान और ये सीने की आग को साक्षी मान के आज से हम आपको अपनी पत्नी मानते हैं। दुनिया हम दोनों को हमेशा एक ही नाम से याद रखेगी, बाजीराव मस्तानी।